बब्बर स्पीकिंग। ओए यस बब्बर स्पीकिंग, फोन के अंदर घुस के मारूंगा ना तब पता चलेगा। अबे तमीज से बात करो ना, मैं फोन काट दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, फोन मत काट भाई। सॉरी सॉरी, तेरा भाई ना बहुत गहरी मुसीबत में पड़ गया है। यहाँ पर तीनों लड़कियाँ हनीमून क्या कैंसिल हुआ, घर के अंदर हनीमून मनाना चाहती हैं। वो एक कमरे को इन्होंने पेरिस, अफ्रीका, जापान बना के रखा है। भाई सुहागरात तो मैंने संभाल ली, लेकिन हनीमून पर से ना कोई लड़का आज तक कुंवारा नहीं लौटा। अबे चिंता मत कर, तेरी आबरू लुटने नहीं दूंगा मैं, समझा? तेरे को बचाने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसलिए डिस्टर्ब मत कर उन्हें, संभाल। मैं एक्सपेरिमेंट खत्म करके आता हूँ। अब किसे संभालूं, कैसे संभालूं? एक काम करता हूँ, बारी बारी से जाता हूँ, सॉर्टेड रहेगा। ट्विंकल हो गई, डिंपल हो गई, सिंपल के पास जाता हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ देना सिंपल। Yoko so in Japan. आने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने, दिल्ली से जापान। हाँ वो दिल्ली से जापान की दूरी थोड़ी ज्यादा है ना, इसलिए। अब आपके और मेरे बीच में कोई दूरी नहीं हो सकती। आ सकता है ना, मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से आप भूल गए कि मैं क्लीन बोल्ड हूँ। इसीलिए तो आपको इतनी एक्सरसाइज करवाई, करेले की सब्जी, लौकी का जूस। अब टेस्ट तो करना बनता है ना कि आप आउट से नॉट आउट हुए हो कि नहीं। नहीं। कौन है इस वक्त, कौन है? जो भी होगा भगवान का ही रूप होगा। मतलब? मतलब मुझे क्या पता, सिंपल रंग में भंग डाल दिया, देखो तो कौन है। हाँ। किशन, आपको मैं किस एंगल से किशन नजर आ रही हूँ, कौन है ये? किशन। हाँ मैं ही किशन, आप कौन? अरे बदतमीज नहीं है, ये तो जुड़ो इंस्ट्रक्टर हैं। इनका नाम है वोंगता तवा। हाँ? उल्टा तवा? उल्टा तवा नहीं, वोंगता तवा, वोंग। ये ना हमको जुड़ो सिखाने आए हैं। पर किशन जी, हमारा हनीमून का क्या होगा? क्या कर रही हो, बुजुर्ग हैं उनके सामने जरा तमीज से। दूर रहो, दूर रहो। हनीमून तो हम कभी मना लेंगे, पहले जुड़ो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, है ना? निखो थी कॉस्ट्यूम चेंज, जुड़ो तो जुड़ो, किनखो पिनखो थी। ये कह रहे हैं कि जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, इसमें लूडो खेला जा सकता है, जुड़ो नहीं। जाओ कराटे वाले कपड़े पहन लो, जाओ जाओ जाओ। निखो थी। ये देख मेरा नया आविष्कार है। मेरे सुहाग रात के दिन गिफ्ट लेके आया सेंट, कोई सलूशन नहीं ला सकता था? फड़ नहीं, यही तो सलूशन है, तुझसे लड़कियों के ऊपर छिड़क और उसके बाद देख कमाल। जा तब तक तू दोनों को संभाल, मैं सिंपल को जूडो सिखाने का नाटक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिल गई आपको फुसफुस? जी नहीं, परंतु कुछ और मिला है। क्या? एक नया आत्मविश्वास। ट्विंकल जी, अब आपको इस खाल उधेड़ू यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज सुबह सुबह 6 बजे कितना फ्रेश फील हो रहा है। तो 9 बज गए यार, 9 बज गए, अब तक वो छोटी हिटलर आई नहीं मुझे उठाने। ऐसा भी क्या हो गया ट्विंकल डिंपल? और भाई किशन उठ, जिसकी 3 बीवियां होती है ना उसको इस तरह से 9-9 बजे तक सोना शोभा नहीं देता। चल भाई चल के देखा जाए। पूजा की आवाज, मम्मी ऊपर? मम्मी ऊपर क्यों आएगी? डिंपल के कमरे से डिंपल पूजा? कल की रात के लिए थैंक यू भगवान जी। कल की रात मेरे लाइफ में एक गिफ्ट जैसी थी। मैंने सुना था कि हनीमून मैजिकल होता है, पर इतना मैजिकल, ओह माय गॉड। रात को एक गाना गाना हुआ था और नाचना हुआ था, उसमें मैजिकल क्या था? तो हद ही हो गई, ये यहाँ पर पूजा कर रही है और ट्विंकल यहाँ पर रोमांटिक गाने गा रही है। अरे किशन जी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, कैसे हैं आप? आप बड़ी खुश लग रही हैं भाभी जी, क्या बात है? क्या बताऊं अब आपको किशन जी, हनीमून के बाद ना खुशी जैसे रग रग में दौड़ने लगती है। शायद ऐसा लगता है कोरी ड्राइंग बुक पे किसी ने रंग भर दिए हो, शायद खुशी छुपाई नहीं छुपती शायद। किशन जी, आपका भी तो हनीमून था शायद, आप खुश नहीं नजर आ रहे शायद। हाँ थी ना, मेरी भी तो हनीमून थी, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश फूला नहीं समा रहा। किसी तरह से अपनी खुशी को दबाए यहाँ पर खड़ा हूँ, एकदम अंदर से तो मैं सिंपल भी ना, मेरी तरह बड़ी खुशकिस्मत है शायद। ट्विंकल पुत्र जी, मम्मी जी आई अभी। अच्छा आती हूँ मैं शायद। हाँ यार, हनीमून इन तीनों का मैंने तो मनाया है, तो गारंटी भी दे सकता हूँ मैं कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, नाच रहे थे गा रहे थे। ये किस बात पर इतनी लहक लहक के खुश हो रही है? रात में ऐसा भी कौन सा टार्जन बन गया था मैं? बस एक ही देना। हाँ जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग। और भाभी क्या बात है, सवेरे सवेरे आलू परोठे, कोलेस्ट्रॉल के साथ एकदम लुक्का छुपी चल रही है। चुप कर। ये जो आलू पराठे हैं ना, ये हम जैसे अस्वस्थ लोगों के लिए है। तुम जैसे स्वस्थ लोगों का नाश्ता ऑन द वे है, जो तुम्हारी बीवी ला रही है, लौकी का जूस और करेले का सैलड। लानत है ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल पे कि दिन भर बस शरीर के बारे में सोचते रहो। अरे जबान भी तो शरीर का हिस्सा है ना, इस मासूम सी प्यारी सी जबान पे प्या पफू, क्या कसूर बोल रहा हूँ। मैं नहीं खाऊंगा लौकी फोकी मुरई तुरई सलाद फलाद। ठीक है, खा लूंगा जो कुछ भी मेरे सामने आएगा, अपनी आंखें बंद करके निगल लूंगा। तो निगल लीजिए आंखें बंद करके। ये क्या है? छोले भटूरे है और क्या है? सिंपल, तुमने ये कुछ चेक करने के लिए तो नहीं किया है ना? मतलब ये मैंने खाने हैं या सिर्फ सूंघ के वापस देने? नहीं नहीं बेबी, आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाई है। इतनी खुशी
इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। अरे सिंपल पुत्र, मेनू एक बात बता, इस गधे का मेनू कैसे चेंज किया तुमने? इतनी मेहरबान कैसे हो गई? वो इसीलिए मम्मी जी, क्योंकि अभी ने वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें जितना स्वस्थ होना था ये हो चुके हैं। चम बच्चों, ये लीजिए। मतलब कि कल रात आपने ये साबित कर दिया है कि अब आप क्लीन बोल नहीं रहे, आप कोई भी मैच जीत सकते हैं। अपना मुंह काला कराया, मैं कुलक्षणा हो गया, कल मुआ हो गया, राम तेरा गंगा मेला हो गया। थप्पड़ मारूंगा मैं, साफ साफ बता क्या हुआ। अरे थप्पड़ तो मेरी जिंदगी पे पड़ा है। उन तीनों लड़कियों ने कल रात मेरी इज्जत तार तार कर दी। क्या? हाँ, तुझे पता है मैं सवेरे उठा तो वो जो ब्रांड की पुजारिन डिंपल नहीं है, वो ब्रांड की पूजा नहीं भगवान की पूजा कर रही थी और भगवान से कह रही थी हनीमून बड़ा मैजिकल था। मुझे थोड़ा सा शक हुआ लेकिन वो यकीन में नहीं बदला। फिर मैं बाहर निकला, मैंने देखा ट्विंकल, अरे ट्विंकल इतनी नेगेटिव, वो रोमांटिक गाने गा रही थी, महक रही थी, लचक रही थी, चहक रही थी। तभी भी मेरा शक यकीन में नहीं बदला, लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदला जब सिंपल मेरे पास आई और सिंपल ने मुझसे कहा, आप जानते हैं आप क्लीन बोल्ड नहीं है, आपने साबित कर दिया। यस यस बब्बर, यू आर जब्बर, महान है तू, महान बब्बर। आस्तीन के सांप, धोबी के कुत्ते, थाली में छेद, ये सब तेरा किया धरा है। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? अरे यार वो मैंने तेरे लिए किया लेकिन जानबूझ के नहीं किया, उसके पीछे का मकसद कुछ और है। अरे तेरी इज्जत को अभी कुछ नहीं हुआ, तू एकदम पेटी पैक है। मतलब ये सब मेरे उस फुसफुस का कमाल है। वो बेहोश करने वाली दवा जो दी थी। अबे यार इतना बड़ा साइंटिस्ट क्लोरोफॉर्म बनाएगा क्या? वो बेहोश करने की दवा कोई मामूली बेहोश करने का स्प्रे नहीं है। तो वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसे मैं बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। तुझे मैं बैठ के समझाता हूँ। आ बैठ, देख 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 देख, शादी के बाद हनीमून की बात चल रही थी। जब हनीमून का कार्यक्रम चल रहा था तो उन लड़कियों के दिमाग में तुझको लेकर के नॉटी नॉटी आइडिया चल रहे थे। जैसे ही तूने फुसफुस का इस्तेमाल किया, वो सोई, सपने देखे, तो वो सपने देखे जो जो उन्होंने इमेजिन किए हुए थे, और जैसे नींद टूटी तो उनको वो सपना सपना ही नहीं लगा बल्कि वो हकीकत लगा, और उनको लगा कि उनका हनीमून सक्सेस हो गया। मतलब मेरा हनीमून सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, तेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा था। हाँ मेरे भाई हाँ। मतलब मैं पावन, पवित्र और गंगा की तरह निर्मल हूँ। हाँ भाई हाँ। मतलब मैं मैच खेले बिना जीत गया, और बिना खेले जीतने वाले को शंकर जय किशन कहते हैं। हाँ भाई हाँ। मैं तो कहता हूँ तुझे ना पुरस्कार मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ, तुझे नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए और तुझे खेल रत्न मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुझे ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर। अरे इतने अवार्ड रखूंगा कहाँ, घर में जगह नहीं है। अरे बस तेरे एक से तू भी ना। हेलो हु इज दिस? हैं आप कौन बोल रहे? ट्विंकल। नमस्कार ट्विंकल जी, कैसी हैं आप? शंकर जी जैसा आप मुझे छोड़ के गए थे, खुश सुकून में। आपको पता है क्या शंकर जी, शायद मैंने ना जब से आपको देखा है एक बात तो समझ में आ गई है, दुनिया में ना तीन तरह के शेर होते हैं शायद। है? तीन टाइप के कौन से? एक तो वो शेर जो कवि मारता है, दूसरा वो शेर जो इंसान मार के खा जाता है, और तीसरे आप। मैं जब भी आपके करीब आती हूँ आप शेर तो बन जाते हैं लेकिन बिल्कुल टाइगर लवर बॉय जैसे। धन्यवाद ट्विंकल जी, ये सब आप ही के कारण हुआ है, आपके प्रेम के कारण। आपका प्रेम हमें प्रेम रूपी शेर बना देता है, शेर रूपी प्रेम।
अरे बस कीजिए, आप भी ना। अच्छा जल्दी से आप मुझे अपनी क्लिनिक का एड्रेस दीजिए, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। क्यों 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 क्यों? अरे मैंने आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। अरे हम जहाँ पर हैं ही नहीं वहाँ पर आप कैसे आएंगी? है क्या कहने का तात्पर्य, ये हम चिकित्सालय में हैं ही नहीं। ओह अच्छा, तो फिर आप कहाँ हैं? आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे बता दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगी। हम इस वक्त एक खतरनाक गली में हैं। इस खतरनाक गली में खतरनाक कुत्ते हैं, खतरनाक कुत्ते। कुत्ते बिल्ली नहीं, कुत्ते। वाव वाव। हाँ देखिए देखिए। हाय हाय शंकर जी, अब किसी कुतिया का श्राप मत लेके आ जाइएगा, बड़ी मुश्किल से हमने शेरनी का श्राप हटाया है। जी जी जी, तो इस वक्त वो उन कुत्तों को खतरनाक बीमारी हो गई है। अब हम उन कुत्तों को सुइयां चुभा रहे हैं, खतरनाक सुइयां चुभा रहे हैं। लेकिन अब इस टिफिन का क्या करें? टिफिन एक काम कीजिए, हमारे प्रिय भ्राता किशन घर पे आते ही होंगे, आप उनके हाथों वो डब्बा भिजवा दीजिएगा। ठीक है मैं भेजती हूँ, बाय। जी नमस्कार ट्विंकल जी, आता होगा वो शीघ्र अतिशीघ्र, शीघ्र अतिशीघ्र। लीजिए किशन जी, और जो मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, शायद वो आप एज इट इज जाके शंकर जी को समझा दीजिएगा, शायद भूलेंगे तो नहीं ना। शायद कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ये समझिए कि आप जो भी कह रही हैं वो डायरेक्टली शंकर भैया के कान में ही जा रहा है। हाँ अच्छा तो ठीक है, सुनिए मैंने सबसे नीचे वाले डब्बे के अंदर ना छोले रखे हैं, शायद मतलब हवा भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, हवा नहीं है, शायद छोले ही हैं। नो शायद, पक्का? अच्छा ठीक है, तो उनको कहिएगा गरम गरम खा ले शायद, और उसके बाद ना ऊपर वाले डब्बे के अंदर चार रोटियां रखी है शायद। तो नहीं नहीं है, है रोटियां ही हैं, तो वो भी गरम गरम खा ले और पूरा डब्बा खाली कर दे। ओके ओके। मर गया एक और डब्बा, ये पक्का जय भैया के लिए होगा। अब क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.